नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, यानी कि टीचिंग पोस्ट के बारे में। पीजीटी टीजीटी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी को रिलीज किया गया है, लास्ट डेट क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए, एंड क्वालिफिकेशन के साथ साथ सैलरी क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे भी अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है वैकेंसीज दिए गए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है क्वालिफिकेशन एक के लिए बता दे डिस्कस कर लेती हूँ एंड बाकी के जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। सिर्फ रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ जो है चेंज होता रहेगा। तो बायोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपका मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जैसे कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने एमएससी कंप्लीट किया है एंड उसके साथ बीएड कंप्लीट किया है एंड देन आपका क्लास 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर, कोई भी लेवल पर अगर आपने हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एच टेट होता है या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो एस टेट होता है वो अगर क्वालिफाई किया है तभी जाके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर के जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया वो सारे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, यानी कि मास्टर्स डिग्री, उसके साथ बीएड एंड आपके कोई भी लेवल पर 10, 12, बीए, एमए, कोई भी लेवल पर अगर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है एंड आपके पास एचटेट या फिर एसटेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने एस्टेट या फिर एजटेट कंप्लीट किया मतलब क्वालिफाई किया है तभी जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमुनरेशन जो है यहाँ पे एज पर निगम वेजेस, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट है सभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यहाँ पे परमानेंट पोजिशन ये नहीं है। ओके, एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट वो जो है 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड आपको जो है 11 तारीख यानी कि 11 जुलाई तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहां पे आपको एप्लीकेशन लिंक भी दिखेगा, तो यहां पे क्लिक करके जो है आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे चलते हैं पीजीटी कॉमर्स। तो कुछ सब्सक्राइबर ने जो है पीजीटी कॉमर्स के लिए पूछा था कि कोई वैकेंसी है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए पीजीटी कॉमर्स के लिए वैकेंसीज हैं एंड बहुत सारे जगह में जो है जॉब्स निकलते रहते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो करेंगे या फिर नोटिफिकेशन देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर कोई स्कूल में नहीं आया तो कोई कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो है कॉमर्स मतलब जो भी सब्जेक्ट है हमेशा वो निकलते रहते हैं। तो पीजीटी कॉमर्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए एंड यहाँ पे भी जो मतलब डेट्स है वो सेम ही है, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स, उसके बाद पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, देन पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी संस्कृत। ओके, उसके बाद आता है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो इसके लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है। डेट आप देख सकते हैं, डेट सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपने जो है बीटीसी, जेबीटी, डीएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन यानी कि डीएलएड, इसमें से कोई भी एक कंप्लीट किया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी आपका जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि एचटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए तभी जाके जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टीजीटी के लिए कौन कौन से और कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, नेक्स्ट संस्कृत, साइंस, सोशल सोशल स्टडीज एंड देन यहाँ पे बाकी सारे जो क्या बोलूँ वैकेंसी है, बाकी सारे जो पोस्ट है उसके लिए ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है टीचिंग पोजीशन के लिए यानी कि पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा, बट ये गवर्नमेंट जॉब्स है एंड यहाँ पे अगर आप जो है सिलेक्ट होते हैं आप बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कीजिए। बट अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है एंड वो एक्सपीरियंस लेके आप आगे जाके जब परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है।
तो कहाँ से आया है वो डिस्कस करेंगे। एंड मैंने बताया है कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, 11 तारीख इज द लास्ट डेट, 11 जुलाई। तो उससे पहले आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी यहाँ पे 30,000 के ऊपर ही आपको मिलेगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है, वैकेंट जॉब्स फॉर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी सैलरी हायर देन 30,000, स्पेशल कैटेगरीज के लिए 30,000 के ऊपर मिलेगा। एंड वैसे भी जो है आपका सैलरी यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगा फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से। एंड यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट्स में वैकेंसी देख रहे हो, ये लगभग जो है 6,000 के आसपास जो है यहाँ पे वैकेंसीज हैं, पीजीटी टीजीटी मिला के। तो यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है, बट जो न्यूज़पेपर में आया था, न्यूज आया था, वो यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ। बट अगर आपने आप कोई हिंदी न्यूज़पेपर लेता है तो वहां पे आपको जरूर दिखेगा। तो वहां से अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हरियाणा कौशल सॉरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए जो आपका वैकेंसीज आने वाले थे वो 6,000+ वैकेंसीज था। एंड वही वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिखा देते हैं। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आके आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट भी क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको आना है वेबसाइट पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो इसी वेबसाइट में जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हैं, तो यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है एंड जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैंने अभी दिखाया ये कोई PDF नहीं है, वो वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। एक अलग टैब में ओपन कर लेना एंड उसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी डिपार्टमेंट में या फिर जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक बार क्वालिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले बिफोर एप्लीकेशन एंड देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है 100% क्लियर करने के लिए। एंड वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।